ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वी विल बी गेटिंग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एज वेल और डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड इन आवर केस आंसर राइटिंग मतलब आंसर टाइपिंग भी है बट एंड कीपिंग ऑल दैट इन माइंड ये सब दिमाग में रखते हुए इसी चीज का सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ वेयर आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑन अ डेली बेसिस सैंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने कुछ मॉक क्वेश्चंस लेके आऊंगा कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेके आऊंगा एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कुड हैव राइट एन आंसर फॉर दैट उस कुछ फीडर पॉइंट कैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपको आंसर लिखना है कौन कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है राइट ऑल दो विल बी डेल्ट इन दीज लेक्चर और आज उसी का फर्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ वेर आई विल डिस्कसिंग ई एस आई एन ए आर डी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन राइट विद दिसार्ट आवर वीडियो क्वेश्चन वॉट आर द मेन चैलेंजेस

इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ये ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन पे डायरेक्टली हिट करना है हर क्वेश्चन पे बिकॉज आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो वर्ड जस्ट लिमिट है बस लिमिटेड ही है छह सौ वर्ड के अंदर आपको लिखना होगा ये ये कितना मार्कर मार्कर है इट इज और दूसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या पूछी हुई आपसे आपने एक पार्ट पढ़ लिया इस क्वेश्चन के बेसिकली क्या है दो पार्ट है आपने फर्स्ट पार्ट आपका चैलेंजेस सेकंड पार्ट एंड वॉट पॉलिसीज आर बींग इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस चैलेंजेस उस चैलेंजेस के लिए क्या क्या रिफॉर्मस लिए जा रहे हैं क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी गई है तो ये दो चीजों को आपने एड्रेस करना है तो आपकी बॉडी के अंदर जो मेन कंटेंट होगा आपका वो इसके अंदर आएगा इनमें दो चीजों को आप आंसर कर रहे हो गे नाउ क्वेश्चन पढ़ते ही अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल रखें कोई ज्यादा कॉम्प्लीकेट करने की जरूरत नहीं है सिंपली आप इंट्रोडक्शन देन मेन बॉडी And then, conclusion. इसी ऑर्डर में पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन जितना सिंपल रखेंगे अपने रियल चीजें क्या है वट इज द मेन थिंग इस क्वेश्चन का सबसे मेन आंसर क्या होता है हमें लगता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है तो जो मेन चीज होती है वो होती है बॉडी यहाँ पर आप असली आंसर करोगे क्वेश्चन का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप उसका आंसर कहां कर रहे हो बॉडी के अंदर जहां पे आप रियल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कंटेंट क्या होना चाहिए आपका रेलिवेंट होना चाहिए एंड बाय बीइंग रेलिवेंट मींस टू द पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंट का क्या मीनिंग है यहां पर टू द पॉइंट होना चाहिए जो पूछा है उसको स्ट्रेट हिट करो इट मस्ट बी इसके साथ साथ इसके अंदर डाटा फैक्ट होने चाहिए डाटा होना चाहिए डाटा सेट इफ रिक्वायर्ड बेसिकली फैक्ट्स होने चाहिए जबरदस्ती भी नहीं घुसाने कि जबरदस्ती बस घुसाए जा रहे डाटा फैक्ट्स लेकिन अगर आपको अप्रोप्रिएट लग रहे हैं रेलिवेंट लग रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसके अंदर इंट्रोड्यूस करिए इससे आपको थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं डाटा सेट्स वगैरह से फैक्ट डालने से डेफिनेटली पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं नो डाउट अमाउंट और उस पर क्या है कि जगह भी कम लेते हैं वो तो कम जगह पर आप ज्यादा चीज़ों को अपना प्रूव कर पाएंगे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इफ़ यू कैन अगर जरूरी है तो एग्जाम्पल्स भी दिए जा सकते हैं यहाँ पर रेलिवेंट एग्जाम्पल्स जब जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना ठीक है जो रेलिवेंट बन रहा है वही करना है आपको राइट सो right? so, ये चीज़ें पहली बार ध्यान रखनी है क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है हमेशा क्वेश्चन में क्या क्या पूछे हैं वो चीज़ों को पता होना चाहिए उन चीज़ों को मतलब दोनों चीज़ों को आंसर करना है जितनी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं दोनों को आंसर करना होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पहले चैलेंजेस पूछे हम चैलेंजेस बताएंगे

एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते थे ये ये पॉइंट हो सकते थे आपके ना so, अब पहली चीज आएगी आपकी इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे हेडिंग नहीं डालनी आंसर होंगे डाल introduction के आ जाओ इंट्रोडक्शन के आगे लिखा हो no. नो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन है आपको बिल्कुल भी हेडिंग नहीं डालनी आपको सीधा यहीं से स्टार्ट करना होगा डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक बेसिक चीजें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको राइट मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती है इसलिए दैट इज द रीजन आई एम आंसरिंग दिस टाइप ऑफ थिंग ओके इंडिया इज एन जस्ट लुक एट दिस इंट्रोडक्शन सिंपल एंड एलिगेंट एकदम सिंपल सी इंट्रोडक्शन रखी ज्यादा राइट अगर जिस किस भी बेसिस पे और आपके लिए भी कहीं ना कहीं इसको ईजी है लिखना भी ओके इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री वेयर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटीज राइट सिंपली आप ये लिखिए हमारी है इंडिया है हमारी क्या एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है यहाँ पर हमारी ज़्यादा से बहुत मतलब इनफैक्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग जी डी पी एज वेल हाउ एवर हाउ एवर देर आर सेवरल चैलेंजेस देर आर सेवरल चैलेंजेस बींग फेस बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज हम्परिंग इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंपल ये होगी आपकी इंट्रोडक्शन

नाउ straight forward comes to the बॉडी सेक्शन कंटेंट जहाँ पे आपका मेन है नाओ हेडिंग यहाँ पर डालनी है बिल्कुल डालनी है यू कैन राइट चैलेंज फेस बाई एग्रीकल्चर सेक्टर नाओ आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ मेरे पास क्वेरीज आती है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना है कि पैराग्राफ्स में लिखना है वॉट आई डेफिनेटली सजेस्ट कि स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में आप दोनों का मिक्सर मैच करें अब यहाँ पर पॉइंट्स भी हैं और पैराग्राफ्स भी हैं आप मेजर मेजर हैडिंग्स लिखिए और उनको एक्सप्लेन करें ये बेस्ट वे होता है सिंपली पॉइंट्स लिखने के बजाय क्योंकि एक तो पॉइंट्स सोचने भी थोड़े टफ होते हैं अगर मैं वो कि पॉइंट्स बना के लिखें तो यू विल रियलाइज कि सिंपली एक सिंगल लाइनर पॉइंट्स ऐसे लिखना इट्स अ टफर टास्क इट्स नॉट दैट ईजी एज वेल तो बेस्ट होता है कि आपके पास हेडिंग्स दिमाग में हो एंड देन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दे ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है और लिखना भी थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है तो फर्स्ट लाइक सबसे बड़ा जो इशू हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स और सेकेंड अपना वाटर स्कार जो एग्रीकल्चर इविगेशन वाली इशू है तो सिंपली सबसे पहले जो मेजर जो है अपना उसको हाईलाइट करिए फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है मेजोरिटी क्या है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जमीने ज़्यादा किसी के पास है नहीं तो छोटे छोटे फार्म होल्डिंग्स होते हैं अब छोटे फार्म होल्डिंग्स के इशूज़ क्या होंगे ऑब्वियसली वहाँ पर प्रोडक्टिविटी घटेगी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उसके अंदर आप राइट right? तो वो उनको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा उनकी अफोर्डेबिलिटी भी घटती है इनकम भी घटती है कहीं ना कहीं फार्मर्स की तो ये सारे इशूज़ आते हैं वहीं यहाँ पर लिखा है द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल विद फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स एंड इट लीड्स टू इन इन फार्मिंग ऑपरेशन रिड्यूसिंग एक्सेस टू क्रेडिट एंड लिमिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लिमिट द एडोप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको क्या करना चाहिए जैसी क्वेश्चन आया दिमाग में ना सबसे पहले फ्रेम कर लो एक बार जैसे ही क्वेश्चन आया दिमाग में बॉडी में फ्रेम कर लो कि ये ये मेजर मेजर इश्यूज है लाइक फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है वाटर स्कैसिटी है ठीक है सॉइल की फर्टिलिटी सही नहीं है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक्सेस नहीं है प्रोडक्टिविटी घट है कम है आई मीन तो ऐसे ऐसे मेजर मेजर पॉइंट्स दिमाग में बनाने हैं आपको एक बार वो बन गया उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर देना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट डेफिनेटली हो जाएगा सबसे तो पहले ये आंसर आते है स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया कि हाँ ऐसे मेजर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आ जाएगी उसकी टेंशन नहीं लेनी मेन आता है आपका बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आराम से आई यू विल बी एबल टू डू दैट और जो मेरे बॉडी वाला पार्ट है उसके लिए आपको क्या करना है जैसे ही क्वेश्चन दिमाग में आया सीधा सीधा उसके बुलेट पॉइंट दिमाग में बना लो कि चैलेंजेस हैं अच्छा ये चैलेंजेस है उसको लिखना है उसको एक्सप्लेन करना है सिंपल कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कोई इसी पैटर्न में पढ़ना है एक पैटर्न फिक्स कर लो ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना ओके नेक्स्ट अब वाटर स्कॉट सिटी अब हमारे क्या रेन फेड कंट्री है ज़्यादा ठीक है हमारे यहाँ पर क्या इरीगेशन की प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी बात इंडिया काउंट्स फॉर ओनली फोर परसेंट ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर फ्रेश वाटर भी कम है ठीक है तो ये वाले इश्यूज़ हैं देन डिक्लाइनिंग सॉयल फर्टिलिटी सॉयल फर्टिलिटी डे बाई डे डिक्रीज होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड दीज है सॉइल क्वालिटीज एंड रिड्यूसिंग इट फर्टिलिटी बहुत ही जनरल आंसर है आप बहुत ईजीली सोच सकते हैं इन सब चीज़ों को लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इन मार्केट राइट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अडोप्शन नहीं है मार्केटिंग है लिंकेज में इशू है स्टोरेज वाली फैसिलिटीज के बारे में भी लिख सकते हो आप देन लो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है राइट दिस इज प्राइमरी ड्यू टू पुअर फार्म प्रैक्टिस इन एंड्रेट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक चीज भी दिमाग में रखनी है कि आपको आंसर जो है कितने टाइम में लिखना है इनिशियली डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप टाइम लिमिट के अंदर अंदर डेफिनेटली लिख पा रहे होंगे टाइप कर पा रहे होंगे ओके नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज ऑल्सो अन अदर इशू फॉर अपर आवर एग्रीकल्चर सेक्टर जो कभी भी किसी भी टाइम आज के टाइम में आपकी बारिश एकदम तेज हो जाती है, है साइक्लोन का आना ड्रॉट्स का आना एंड ऑल दिस थिंग्स वाई इट इज ऑल हैपनिंग इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओके नाउ लेट्स एड्रेस द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट चैलेंजेस क्या है सेकेंड पार्ट था ना पॉलिसीज जो हमने इम्लीमेंट करी हैं क्या रिफॉर्म्स हमने लिए हैं तो दॉलिस दीज चैलेंजेस आर हमारी जो स्कीम्स हैं ये सबसे ईजी पार्ट होगा स्कीम्स आपको पतानी है लाइक like, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ठीक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अटल भूजल योजना यहाँ पे फ्री हैंड है आपके पास इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड से यू कैन राइट इट डाउन उनको लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक ही लाइन में एक्सप्लन करना है ज़्यादा चीज़ों को ठूस घुसाना नहीं है आपको ज़्यादा ज़्यादा वर्टिकल्स को टच करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा स्कीम्स लिखेंगे ज़्यादा रिफॉर्म्स लिखेंगे वो ज़्यादा मैटर करेगा बजाय एक ही स्कीम को एक्सप्लेन करने बैठ जाओ सेम गोज़ फॉर द बॉडी पार्ट ऑल्सो यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना है आप ज़्यादा वर्टिकल्स को टच करेंगे वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी बजाय एक ही पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बजाय राइट इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे देन अटल भूजल योजना प्रधानमंत्री फसल फसल बीमा योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नंबर ऑफ स्कीम्स लाइक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नधान प्रधानमंत्री किसान पी एम किसान राइट के सी सी एक, -एक लाइन में सबको एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या काम है इनका क्या क्या एम है इन सब स्कीम्स के ऑल राइट ओके देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट अब कंक्लूजन के अंदर क्या करेंगे आपको कंक्लूजन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होगा कंक्लूजन होगा balanced मतलब पॉजिटिव नोट पे ही करना होगा जितना कोशिश हो सके पॉजिटिव नोट पे करें अब यहां पर आपसे इश्यूज पूछे हैं रिफॉर्म्स पूछे हैं तो ऐसा नहीं बोलना कि हाँ इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत इशू है बहुत दिक्कतें हैं ठीक नहीं हो सकता नहीं यू नीड टू एंड इट लाइक इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग अलॉट ऑफ प्रॉब्लम बट द गवर्नमेंट हैज है लॉट ऑफ इनिशियटिव टू रिफॉर्म इट एंड वी आर ऑन दैट पाथ ओनली ऐसे करके एंड करना है वही मैंने यह लिखा है इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग सेवरल चैलेंजेस विच आर लिमिटिंग इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हाउ एवर द गवर्नमेंट हेज इम्प्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज एम टू एड्रेस दिज चैलेंजेस नेक्स्ट अ कोलेबरेटिव एफर्ट मतलब कि सारे के सारे मिल के प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट भी अ कोलेबरेटिव एफर्ट बिटवीन द गवर्मेंट प्राइवेट सेक्टर एंड फार्मर्स इज असेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें मैं आपको कंक्लूड करना एक है एक बैलेंसड कंक्लूजन है एक पॉजिटिव नोट पे यू है यू आर ट्राइंग टू कन्वेइंग योर पॉइंट एज एज वेल कि आप एक पॉजिटिव नोट पे भी एंड कर रहे हैं तो दिस इज द वे इसमें आप कोई एक अच्छा कोट भी डाल सकते थे यू कैन एड कोट्स एज वेल इन द कंक्लूजन पार्ट इंट्रोडक्शन के अंदर भी कोर्ट्स डाल सकते हैं आप इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल ठीक है और डोंट वरी ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे और डिस्कस करेंगे ठीक है यहाँ से भी आप कुछ फीडर पॉइंट्स आपको मिले आप बता ले सकते हैं so and i since with this we have come to the end of our video i sincerely hope ki aapki preparation bahut achhi chal rahi hogi and one more thing if you are still looking if you are still looking for a test series we have an option for you which is nabard grade a phase 2 test series the major part is that it is descriptive through keyboard मतलब यहाँ पर जो real environment में जो आपका पेपर होगा बिल्कुल उसी बेसिस पे ये टेस्ट सीरीज डिजाइंड है आपके लिए तो so, आपको अगर ये टेस्ट सीरीज सही लगती है गो एंड चेक इट आउट यूर सेल्फ नीचे सपोर्ट का नंबर अब आपके लिए ड्रॉप डाउन में करवा रखा है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है आपके लिए वहाँ से जो भी आपकी क्वेरीज है यू कैन गेट इट रिजॉल्व ओवर देयर और बट मैं आपको सिर्फ इतना एडवाइस करूंगा फटाफट से जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए एक्शन लीजिए अब बैठिए मत राइट right? जो भी आपको करना है इफ़ यू रियली वांट टू एनरोल इन डिस्ट्रीज यू कैन गो फॉर इट उसकी गारंटी हमारी है, है उसमें कोई इशू नहीं है ओके सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक and stay connected with avipedia in whatever way you find right so take care and bye-bye